सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बॉलीवुड से लेके आई हूँ 3 टॉप न्यूज़ आपके लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और यकीनन मुझसे पहले अभी तक ये खबर किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान अशरफ के हवाले से कि हाल ही में उनके प्रोग्राम में एक लड़की आयशा तारिक की आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी थी, जिसके गाने ने सब को अपना दीवाना बना दिया था। उन्होंने गाना कौन सा गाया था, कदी आ मिल सावन यार वे, इस तरह करके गाना गाया था, जिस पर सभी झूम उठे थे और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। इस तरह का टैलेंट अगर नज़र भी आता है, ख़ासतौर पे अगर भारत में इस तरह का टैलेंट नज़र आए, तो वो फ़ौरन उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाने में या किसी ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन लोग इस हवाले से कह रहे थे कि ऐसे टैलेंट को सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन इसी हवाले से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जनाब, के अब इस लड़की आयशा तारिक ने हाल ही में नमक हराम का OST गाया है। तो आप भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं सुनवा सकती हूँ, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, आपको पता है। तो जनाब आप ख़ुद सुनिएगा और आपको कैसा लगा ये वीडियो। और इस हवाले से इमरान अशरफ ने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, तो मैं कोशिश करूँगी सबसे पहले आप ये वीडियो बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुज़ाकरात में आपने एक बहुत खूबसूरत आवाज़ सुनी थी आयशा तारिक की, जिन्होंने कदी आ मिल सावन यार वे गाया था, और आपने बहुत पसंद किया था उसे। और हमारी भी ये ख्वाहिश थी और आपकी भी ख्वाहिश थी कि ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें। करने वाला इंसान तो नहीं होता, अल्लाह की ज़ात ही है। तो अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने नमक हराम का OST किया है। तो चलिए अब देते हैं आपको आज की दूसरी खबर। तो दूसरी खबर जनाब आज की ये है कि काशिश से काम करवाना, काशिश के पॉलर पे जाना तो लड़कियों का ख्वाब है। जैसे ही काशी का नाम सुनो लड़कियां पागल हो जाती हैं, और काशिश की ब्राइड्स जो हैं, ओ माय गॉड, उनका कोई जोड़ नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार में भी लोग काशिश के दीवाने हैं। और पहले तो काशिश का सैलून जो था वो सिर्फ और सिर्फ कराची में था। इवन मुझे अपनी खुद की शादी पे भी काशी से तैयार होना था, लेकिन मेरा ये ख्वाब अधूरा रह गया क्योंकि वो लाहौर में नहीं थे। लेकिन अब जब काशिश जो है वो दोबारा से लाहौर में आ चुका है, तो जी चाहते हैं कि फिर से शादी करवा लूँ। लेकिन खैर ये तो एक मजाक था, ये तो मैं आप लोगों से मजाक कर रही हूँ, लेकिन काशिश की मकबूलियत की बात कर रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो काशिश की वजह से दोबारा शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत हेयर कट्स करते हैं, इस कदर खूबसूरत मेकअप करते हैं। हाल ही में उनके पास जनाब पहुंची हैं जनाब आयत आरिफ। आयत आरिफ को अगर आप नहीं जानते तो मैं कुछ थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। सबको 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 ईद मुबारक, अब आपको याद आ गया होगा। तो जनाब उन्होंने बहुत अच्छा हेयर कट किया है उनका। इसी हवाले से मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप आयत आरिफ की वीडियो देख लें खुद ही। बहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, हाथों पे हम अपनी मेहंदी लगा के, मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम, सबको 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 ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक, प्यारे बाबा प्यारी मामा ईद मुबारक, सबको 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 मेरी हेयर कटिंग मुबारक। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयत आरिफ। जैसे कि आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं आई हूँ काशिश ब्यूटी पार्लर, और मैंने सोचा था कि मैं काशिफ भाई से अपनी हेयर कटिंग कर पाऊँगी, और फाइनली काशिफ भाई ने ही मेरी हेयर कटिंग की है। ये देखिए मेरी हेयर कटिंग, काशिफ भाई ने मेरी बहुत अच्छी हेयर कट की है, थैंक यू काशिफ भाई। और आप देख सकते हैं मेरी कटिंग, और ये बात मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, सबको सबको मेरी हेयर कटिंग। जहाँ पे सलून की बात हो रही है, काशिश के काम की बात हो रही है, वहीं पर एक मासी जो है वो भी मेकअप करती दिखाई दी है। अच्छा जी, आप जिस पार्लर में जाते हो सबसे पहले आप क्या करते हो कि सामने वाले की लुक्स देखते हो। अगर तो वो बहुत अच्छी हैं तो चाहे आप कैसे भी हो, काले कलोटे कैसे भी, आप कहोगे यार ये मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना देगी। लेकिन अगर सामने वाला जो है उसका काम कितना भी अच्छा है लेकिन उसकी लुक्स अच्छी नहीं है,
तो हम कहते हैं ने जो अपना हाल किया ने वही साड़ा कर देना, तो हम वहां से भाग निकलते हैं। ऐसी साइकी खवातीन की होती है ना, अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो इसी हवाले से ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बन रहा है कि इस मौसी को पसंद नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है कि आप इससे मेकअप करवा रही हैं, उसकी खुद की हालत तो देखें। लेकिन पता क्या बात है, बाद में पता चला कि ये कोई मौसी नहीं है, ये बॉलीवुड की फेमस अदाकारा डांसर नरगिस है। तो नरगिस ने अपने हाल को क्या बना लिया है, लेकिन एक लिहाज से तो बहुत अच्छी लग रही है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। दुपट्टा लेना बुरी बात नहीं है, दुपट्टा लेना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वो उनको, लोग कहते हैं ना किसी हाल में भी खुश नहीं रहते हैं, तो वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मेरा फर्ज था आपको न्यूज़ देना, वो मैंने आपको दे दी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो चलिए जल्दी से आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तो मुझे तो इजाजत, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।